जब भी कोई अवार्ड मिलता है खुशी की बात होती है. तो फॉर ऑल दोज पीपल हु थॉट दैट आई डिजर्व दिस अवार्ड, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू, दैट्स इट, आई एम वेरी हैप्पी. जी 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 इट इज़ डेफिनेटली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. एंड आई मुझे लगता है कि ये अकेडमी जो है कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड डेफिनेटली फाल्के साहब वाज़ समवन हु रियली स्टार्टेड इट ऑल फॉर अस. सो आई हैव ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द नेम एंड हेंस आई एम हियर. इतने सालों से बॉलीवुड में है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपने बाहुबली फिल्म देखी है? जी. तो बाहुबली 15 करोड़ का एक जो है ट्रेडमार्क उन्होंने क्रॉस किया है, उसका इस फंक्शन के साथ क्या लेना देना है? आई फील सो प्राउड एज एन इंडियन दैट वी हैव मैनेज्ड टू चर्न आउट अ फिल्म दैट इज सो ओरिजिनल and so fantastic. So I'm a big fan of Rajamouli sir, and I think every actor is just fit the part to the T, and it's a really proud moment for the film industry. last question that release hone wali hai Salman Khan ki, and kya aapko lagta hai kahin na kahin ek pressure jo hai un logon ke sath mein bhi hoga kyunki 15 crore ka ek trademark hai and then after that Bahubali. I don't think koi bhi actor ye soch ke film banata hai ki mujhe ye mark tak pahunchna hai. There's no benchmark in film, so I just think that yes, a film should be successful or I think that's the only prerequisite. Last question. मैं तो टीवी के सामने हूँ भैया, आप लोग कहाँ हो? भैया इंडिया की टीम को मेरा सेम मैसेज होगा, अगर वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, इट्स द सेम मैसेज, द मैसेज विल नॉट चेंज, जस्ट विन एंड कम. थैंक यू. अवार्ड मिलने पे बहुत खुशी हो रही है और जिस अवार्ड के लिए मुझे नवाजा जा रहा है, मुझे अवार्ड दिया जा रहा है, आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड. एंड 32 साल हो गए, 508 फिल्में हो गई, तब भी अवार्ड से दिल नहीं भरता. बट अवार्ड्स हमेशा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हैं, आपको लगता है कि और मेहनत से काम करेंगे तो और सारा आ जाएगा, और ये टाइम इज़ ऑल्सो टू गिव बैक. सर आइए. खुशी है बहुत आज के मुझे यहाँ मौका मिला यहाँ आने का, और बड़ी खुशी की बात है. और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं अपने काफ़ी पुराने दोस्तों को मिलने वाला हूँ, जैसे कि अब साथ में आपने देखा मैं और अनुपम साथ में आए, तो यही मौके होते हैं हम लोग को मिलने के, अवार्ड सेरेमनी में कभी कभी. हाँ सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आप बॉलीवुड में इतने सालों से हैं और आपको इतना नॉलेज है अबाउट बॉलीवुड, क्या आप एक चीज़ में तो भाई आपने बाहुबली फिल्म पहले देखी? और पहली वाली देखी, अभी दूसरी देखी नहीं, दूसरी देखी. सर बाहुबली के बाद सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट आने वाली है, बाहुबली ऑलरेडी 1500 करोड़ कमा चुकी है एंड उसके बाद अब ट्यूबलाइट, आपको क्या लगता है कोई कुछ प्रेशर है सलमान खान के ऊपर या फिर क्या उन लोगों के ऊपर प्रेशर होगा जस्ट टू यू नो मैच दैट बेंचमार्क? जी सलमान साहब तो हर साल एक बाहुबली देते हैं, तो उनको मुझे लगता नहीं प्रेशर. अभी तो बहुत, इट्स टू अर्ली फॉर मी टू स्पीक अबाउट द फिल्म एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, सो वंस व्हेन एवरीथिंग इज फाइनलाइज, जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा जब मैं उस फिल्म के बारे में बात करूँ, मगर बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम ज़रूर एक फिल्म करेंगे और
और हो सकता है कि शायद यही फिल्म होगी। मुबारक है, अभी अभी खबर आई है कि कंफर्म हो गया, प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया है कि आप दोनों साथ में काम करेंगे। नो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम, बट इट्स टू अर्ली टू रियली यू नो स्पीक अबाउट इट। मुबारक है आपको बहुत-बहुत सर। हां बहुत बहुत, हां जी थैंक यू। फिल्म भी आ रही है आपकी? हां जी 28 जुलाई को रिलीज हो रही है। मुबारक हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कभी कोई फिल्म आज करता है, और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मैं हाल ही में कह रहा था कि मुबारक देखकर मैंने पहले भी कहा किसी मेरे ख्याल से चैनल पर कि सबसे ज़्यादा खुश मेरी माँ होगी जब वो अपने बेटे को भी देखेगी फिल्म में और अपने पोते को। और बहुत हमारी भी यही शुभकामनाएं आपके लिए। एक चीज़ और कहना, भारतीय क्रिकेट टीम को कोई शुभकामनाएं दे दीजिए, दे ब्रिंग द चैंपियनशिप 4 तारीख को एक मैच। अभी तक तो दो मैच हुए, दोनों मैच जीते हैं, और मैं यू नो सी लाइक स्पोर्ट्स का आप कुछ कह नहीं सकते, यू नो समटाइम्स इवन द बेस्ट टीम यू नो, बट माई ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज यू नो विश ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम एंड आई थिंक होपफुली आई थिंक दिस टाइम आई थिंक दे विल डू लाफ। पहले दो मैच तो जीत चुके हैं। 4 तारीख को अभी जो मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का, तो आपको लगता है कि मैच होना चाहिए? स्पोर्ट्स डेफिनेटली होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मैच तो होना चाहिए, मगर स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है। ठीक है जी, ये तो हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो परिवार है उनके बड़ों की शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद है। आई'ड लाइक टू थैंक दादा साहेब फाल्के अवार्ड एसोसिएशन, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सारी फेडरेशंस की बॉडीज जो हमें पुरस्कृत करती हैं, हमें इज्जत देती हैं, अपना प्यार देती हैं इस पुरस्कार के ज़रिए। आप जन कल्याण कार्यक्रम में काफ़ी अपना योगदान देते हैं, उनको ही सब ध्यान में रखते हो, फिल्मों को ध्यान में रखते दिया जा रहा है? अभी मैं दिन भर फिल्म की प्रमोशन करके आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आज ये आरोप मुझ पर नहीं लगाया जा सकता है। हाँ जी, बाहुबली देखिए है, बहुत कमाल की फिल्म है, और पूरे बाहुबली की टीम को, राजमौली जी को, प्रभास को, सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने आज 500 करोड़ रुपए हिंदी में इतना बड़ा बेंचमार्क क्रॉस कर दिया, और बहुत अच्छा लगा ये देखकर। अब ऐसा लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी एक नया बेंचमार्क मिला है और इसके आगे जाने की प्रेरणा मिली है। जी प्रेशर की बात नहीं है, मैं चाहूँगा दिल से शुभेच्छा देता हूँ ट्यूबलाइट को और उनके पूरी टीम को कि वो बाहुबली के रिकॉर्ड्स भी पार कर ले और आगे जाए और बहुत बड़ी सुपरहिट बने और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का नाम और पूरे विश्व में रोशन करे। सर, हाईकोर्ट जज ने जो है कमेंट किया है फिल्मों के बारे में। मेरे घर पे 3 वंडर वुमेन हैं, एक मेरी माँ है, एक मेरी वाइफ है और एक छोटी वंडर वुमेन है 2 साल की मेरी बिटिया जो अभी बड़ी बन रही है और सबसे ज्यादा बड़ी वंडर वुमेन बनेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू सो मच। यस, अ वेरी हैप्पी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Well, I'm very grateful and very thankful to the Dada Saheb Phalke Academy Awards tonight and for all the 38 pan-India cine organizations for giving me this honor. I'm here for a very special reason because I think this film Matra is a very relevant film in our country today, and I'm glad that it's being recognized for the work that it was supposed to do. I dedicate this film also to the 3 men who, very sensitive men who actually believe in this cause of for safety and violence which is happening against women in our country these days. That's so I dedicate this award to Michael Pellico, to Ashtar Syed and to Manoj Adhikari for all their hard work and for coming up with such a sensitive, hard-hitting and equally thought-provoking script that is Matra. So thank you Matra for the first award, and may many many come for me and the whole team of Matra. Thank you so much. Right.
लेकिन इससे जस्ट पहले एक बहुत ही दमदार फिल्म आई है बाहुबली, जिसने मतलब 1500 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार किया है। क्या आपको लगता है कि आपके बाहुबली जो ट्यूबलाइट आ रही है उनके ऊपर कोई प्रेशर होगा टू यू नो मैच द स्टैंडर्ड्स और मैच द ट्रेडमार्क? और आई डोंट रियली नो, बट अगर अनिल थडानी डिस्ट्रीब्यूट करता ट्यूबलाइट तो मैं बोलती बाहुबली को भी तोड़ दो। बट सिंस बाहुबली इज ए फिल्म आई एम वेरी हैप्पी, बट आई विश सलमान ऑल द बेस्ट बिकॉज एवरी वन नोज ही इज माई फेवरेट एंड आई थिंक नो वन कैन बीट हिम, या ही इज टू गुड, या ही इज एसके मैन, प्लीज माई फर्स्ट हीरो, नेवर एवर। अभी तो मुझे सबका पूछ लो यहाँ पे खड़े हैं, मेरे को अवार्ड तो लेने दो यार। थैंक यू सो मच गाइस। फॉर मी माय वंडर वुमन आई थिंक इट वुड बी अ टॉस बिटवीन माय मॉम एंड माय मॉम इन लॉ, बिकॉज माय मॉम टॉट मी व्हाट आई एम एंड व्हाट आई हैव बीन टिल डेट एंड माय मदर इन लॉ टॉट मी आफ्टर आई गॉट मैरिड एंड आफ्टर माय किड्स वर बॉर्न, सो दे बोथ बीन द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशंस इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुड इवनिंग जूली। अरे गुड इवनिंग, कैसे हो आप? क्या हो गया क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द अवार्ड। थैंक यू। किस चीज के लिए अवार्ड बताया आपको, हमें बताएं? ये मुझे चौक एंड डस्टर के लिए दी गया, ये अवार्ड मुझे चौक एंड डस्टर के लिए दिया गया है एंड आई एम रियली रियली थ्रिल्ड, क्योंकि दादा साहब फाल्के अकेडमी अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, सो आई एम वेरी ऑनर्ड। आई फील मेरी सारी मेहनत का फल आज यहाँ पर मुझे मिला। एंड इट मैचेस योर ड्रेस आल्सो। क्या बात कर रहे हो, देखा इट वॉज मेंट टू बी फॉर मी। क्या बात है, आप बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं मुझसे, क्या हो गया? क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए तो सही। हाँ जी, माय कलीग आल्सो ऑर्डर्स आर टू आस्क हाउ बनी स्कोर्स 1,500 करोड़। व्हाट, वाओ। That's quite something. आपने जो फिगर अभी बताया, it is a staggering figure. Let's see what happens, but I'm really amazed that and I'm very proud. I feel हम हमेशा ये सुनते हैं कि हॉलीवुड की फिल्म्स इतना कमा लेती हैं, but for a Bollywood film, for a film from India to do this, I think it set a benchmark. One, for Indian films, and two, it's made a mark internationally. I believe it's been running very, very successfully abroad. So I think it's made people sit up in the world and notice Indian cinema. I think that's great. I don't think so. I think Salman ji ki her film I mean, one, he is lovely in his films. His films are lovely. They do very well because people love his films. I don't think there is any need for a comparison with any other film or any other actor or even Bahubali for Salman. I think he just stands alone as one of India's greatest stars. And I really don't think he should feel any pressure. This comes from this side. Hollywood film Wonder Woman is coming, so according to you, who is your Wonder Woman, as in who inspires you the most? Oh, who inspires me? Okay, then my answer is not really conventional, it's a little different. It's somebody I know personally and I know and I have seen her over a couple of years. I've known her. I think she's really a Wonder Woman. It is Nita Ambani. She's fabulous, she's successful, she's a perfectionist, she's hardworking, and she really sets her aims high and achieves them. I think she's fabulous. Would you like to wish our Indian cricket team, they are playing the Champions Trophy, of course. I wish all of them. I wish our team in blue all the very best. Get the cup home. हाँ जी, 4 तारीख को जो मैच, अरे सारी चीजें आप मेरे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। 4 तारीख को जो मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, that is also very crucial match. Yeah, I think every match
at Champions Trophy. I will be rooting for my country, India, and I want them to win. I would just say that tonight I am really, really happy. And I hope कि अगर आपको कहीं चांस मिले चौक एंड डस्टर देखने की तो ज़रूर देखिए. इट्स रियली अ फाइन फिल्म, वन ऑफ माई बेस्ट. आई एम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. दिस इज़ माई सेलिब्रेशन. दिस इज़ द बेस्ट सेलिब्रेशन. थैंक यू. तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. एंड दादा साहेब फाल्के जी के बारे में क्या मतलब मैं क्या बोलूँ. ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड उनके नाम पे है अवार्ड. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. हाँ, इट्स अ बेल्जियन एंड फ्रेंच को प्रोडक्शन एंड देयर इज अ यूएस प्रोडक्शन इन द फिल्म एज वेल. सो उसका फर्स्ट लुक 8 ऑफ जून को पेरिस में रिलीज होगा. I can just only tell at this moment that this film is about two strangers meet in a strange situation and they have to spend couple of weeks together and how they, you know, they don't even understand each other's language. So how they deal with the situation, that's the film. Main mubarakbad dena chahunga apni sanstha ko, film industry ki sanstha ko, jinhone Dada Saab Phalke award institutions किया है और फिर से रिवाइव किया है और आज बहुत अच्छे कलाकारों को ये अवार्ड मिला है. ये एक सबसे बड़ा एक्नॉलेजमेंट इंडस्ट्री की तरफ से, इंडस्ट्री की एसोसिएशंस की तरफ से, महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से है. तो ये एक वेरी वेल डिज़र्व्ड अवार्ड है और इसके लिए मैं अवार्ड विनर्स को, देने वालों को जिसमें मैं भी हूँ प्रेजेंटर, उसको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और सबको खुशियाँ. थैंक यू. दादा साहब के बारे में मैं क्या कहूँ कि उन्हें क्या मिलना चाहिए. भारत रत्न भी चूँकि सबसे बड़ा सम्मान है, वो तो मिलना ही चाहिए. लेकिन उनकी जो देन है ये फिल्म इंडस्ट्री, आई थिंक हम सबको नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने जो दिया है हमें. मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए. एक छोटा सा समूह है जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें और कोई काम नहीं है, सिर्फ अपना ओपिनियन देना है. उनको इग्नोर करना चाहिए और उनका ओपिनियन किसी वैल्यू के लायक ही नहीं है. प्रियंका चोपड़ा क्या हैं वो अच्छी तरह खुद जानती हैं, हम जानते हैं. दिस ट्रोल शुड बी इग्नोर्ड, यूजलेस. थैंक यू. जो मुझे इस काबिल समझा गया, मैं सौभाग्य प्राप्त हूँ कि कहीं ना कहीं आज इतने सारे भोजपुरी के एक्टर हैं लेकिन मुझे चुना गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. और दादा साहब फाल्के अवार्ड में जितने भी इस टीम के लोग हैं सबको दिल से थैंक यू बोलता हूँ. तो भोजपुरी हिंदी की छोटी बहन है. हिंदी के बाद अगर कोई भाषा को बोला जाता है तो ज़्यादा संख्या में भोजपुरी को ही बोला जाता है. तो मैं भोजपुरी से हूँ और मुझे फख्र है अपने भोजपुरियों पर कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया. और एक छोटे गाँव से आकर मैंने आज आप सबके बीच में कुछ कहने का भी पावर रखता हूँ, तो भोजपुरी का देन है. इसलिए भोजपुरी को दिल से थैंक यू और आप सबको दिल से थैंक यू. थैंक यू. बहुत बढ़िया चल रहा है. बहुत जीनियस की आज फर्स्ट डेज कंप्लीट किया है, फर्स्ट शेड्यूल आज कंप्लीट किया है. वो बस सीधा यहाँ आ गया हूँ. चलो मेरे को नहीं नवाजा जा रहा, किसी को नवाजा जा रहा है, उसका अवार्ड देने में आ रहा हूँ. हाँ जी, मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मुझे दादा साहब अवार्ड से नवाजा जाए. बस आज मेरा फर्स्ट शेड्यूल जीनियस का कंप्लीट किया, अभी शूटिंग कंप्लीट की, बस सीधा वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ. धर्मेंद्र जी को और हेमा जी को. अब ये सब बात की बातें हैं, पिक्चर की बात बाद में करेंगे, अभी ये अवार्ड की बात करें तो बेहतर है. ये एक नया कैटेगरी आप लोगों ने इस्टेब्लिश किया है. आपने प्रियंका का हुनर को और उसकी मेहनत को पहचान दिया है. आई एम वेरी प्राउड, बड़ी खुशी से मैं स्वीकार करूंगी उनके बिहाफ में. क्या फालतू की बात है बता दें सर, फाल्के अवार्ड में ये पूछिए कि पीएम के साथ क्या बात हुई, ये पूछिए, बेवजह बातें नहीं करो.
हाँ बात हुआ, सारे करंट इश्यूज पे बात हुई। वो नहीं आएंगी पर हाँ तैयारी खूब है पैरामाउंट की तरफ से, वायकॉम की तरफ से। मैम फिर भी हम जानना चाहेंगे कि बहुत शालीन और बहुत अच्छी मुलाकात थी प्रियंका और मोदी जी के बीच में, बिल्कुल ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, हम आपके साथ ही हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने जवाब दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे, कुछ बताइए मैम, ट्रोल करने वालों को जवाब मिले। मिल गया उनको जवाब, अब क्या मैं क्या कुछ आप अपने जवाब आपको साक्षात जवाब मिल गया ना, अब मैं बोलूँ क्या उसके ऊपर, बोल के उसको वैल्यू घटाना नहीं चाहती मैं, साक्षात जवाब मिल गया। पर वो मैं मकसद भी नहीं था उनका, जो जो आज का मुद्दा है वो उस मुद्दे पे ही है, बिल्कुल करेक्ट। आप खुश हैं कि नहीं? आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज द यूथ टुडे हैज़ टू बी सो कॉन्फिडेंट कि उनको किसी के कहने से अननेसेसरी प्रोवोकेशन से इफेक्ट नहीं होना चाहिए।